सिंपल एंड टेस्टी खाने में आप सभी का स्वागत है। आज मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ गोभी के परांठे। इसके लिए मैंने एक फूल गोभी का लिया है, दो हरी मिर्चें। अगर आप तीखा पसंद नहीं करते तो हरी मिर्चें स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया और एक अदरक का टुकड़ा। सबसे पहले मैं गोभी के डंठल उतार दूंगी और अदरक को छील लूंगी। फिर मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह धो लूंगी। अब मैं गोभी और अदरक को ग्रेट कर लूँगी और धनिए और हरी मिर्च को बारीक काट लूँगी। अब मैं गोभी से एक्स्ट्रा पानी निकाल लूँगी। अब मैं इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। इतने मटेरियल से तीन चार परांठे बनेंगे। अब मैंने आटे का एक पेड़ा लिया है, इस पर सूखा आटा लगाकर इसे थोड़ा बेलूंगी। अब इस पर घी लगाऊंगी। अब इसमें मैं मसाले मिक्स करूंगी, स्वादानुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी काली मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन। आप मसाले अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मसालों को इस मिक्सचर में अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब इसे अच्छी तरह बंद कर लूंगी। अब सूखा आटा लगाकर थोड़ा पतला बेलूंगी। तवा गर्म हो चुका है, अब इस पर मैं परांठा डालूंगी। परांठा एक तरफ से थोड़ा सिक गया, अब इसे पलटूंगी। परांठा दूसरी तरफ से अभी थोड़ा सिक चुका है, अब इसे घी लगाकर अच्छी तरह सेकेंगे। लीजिए, गर्मा गर्म गोभी का परांठा बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।